व्यूअर्स, इस वीडियो में हम तीन डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। नंबर वन, इस किस्म के क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज के जो ऑप्शन होंगे वो सिर्फ एक ही रो में होंगे। नंबर टू, इस किस्म के क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज के जो ऑप्शन है वो ओनली वन कॉलम में होंगे। नंबर थ्री, इस किस्म के क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज के जो ऑप्शन होंगे ए बी सी एंड डी, ये टू रोज एंड टू कॉलम में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, फिर इसके बाद आपने जाना है लेआउट टैब पर, मार्जिन को आप सेलेक्ट करें और यहाँ से आप साइज़ A4 सेलेक्ट करें। फिर इसके बाद आपने पेपर का जो मेन हेडिंग है वो आपने टाइप करना है, मींस स्कूल नेम और कॉलेज नेम, फिर इसके बाद एग्जामिनेशन, फिर इसके बाद पेपर, और फिर इसके बाद में एक लाइन आपने ड्रा करना है और एट द लेफ्ट साइड टाइप करना है टाइम अलाउड और राइट साइड पे मैक्सिमम मार्क्स टाइप करने हैं। क्वेश्चन नंबर वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन मींस ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग्स। क्वेश्चन वन के लिए हम जाएंगे होम टैब पर, यहाँ से बुलेट्स एंड नंबरिंग पे हम आ जाएंगे, नंबरिंग स्टाइल हम सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर वन आप टाइप कर ले। क्वेश्चन वन जब आप टाइप करेंगे फिर इसके बाद हम टाइप करेंगे ऑप्शन ऑप्शन ए, फिर इसके बाद टैब बटन आप मोर देन वंस प्रेस कर ले और टाइप कर ले ऑप्शन बी, फिर इसके बाद सेम प्रोसीजर ऑप्शन सी, अगेन प्रेस टैब मोर देन वंस एंड टाइप ऑप्शन डी। फिर इसके बाद एरर को आप रिमूव कर ले और सेकंड वन ऑप्शन आप टाइप कर ले। अगेन आप चले जाएं नंबरिंग पे और यहाँ से रोमन कैपिटल में जो रोमन है 1 2 एट्सेट्रा, ये आप टाइप कर ले और सेकंड नंबर क्वेश्चन आप टाइप कर ले। अगेन आप ऑप्शन ए टाइप कर ले ओनली इन वन रो एंड सिमिलरली सेक्शन ऑप्शन बी, और फिर इसके बाद ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये भी आप टाइप कर लें क्वेश्चन नंबर थ्री, और उसके जो ऑप्शन हैं वो आप टाइप कर ले ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, फिर इसके बाद ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर फोर, टाइप करें एमसीक्यूज नंबर फोर और फिर इसके बाद इसके ऑप्शन आप टाइप कर ले ऑप्शन ए देन ऑप्शन बी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसी तरीके से आप मोर देन वन एमसीक्यूज एक ही पेपर में आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 7 एमसीक्यूज टाइप किए हैं और उसके ऑप्शन मैंने लिखे हैं और एट द एंड मैंने एक मैसेज टाइप किया है गुड लक। तो ये था पहला टाइप वाला एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर। नंबर सेकंड, सेकंड वन में एमसीक्यूज के नीचे जो ऑप्शन हम लिखेंगे वो आप टाइप कर ले ऑप्शन ए और फिर इसके बाद एंटर की आप प्रेस कर ले ऑप्शन बी, सिमिलरली अगेन एंटर की प्रेस करें और यहाँ पर आप टाइप कर ले ऑप्शन सी और फिर इसके बाद ऑप्शन डी। जब आप रोमन टू टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। लाइन स्पेसिंग आपने रखना है 1.5 और यहाँ पर लिख ले टाइप करें एमसीक्यूज नंबर टू। सेम प्रोसीजर आप फॉलो करें, टाइप करें ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, ये भी आप टाइप करें और इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये भी आप टाइप करें, सिमिलरली द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन।
क्वेश्चन नंबर फोर, एमसीक्यूज नंबर फोर। जब आप ऑप्शन लिखेंगे फिर डॉट और फिर स्पेस दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और इस एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर में भी मैंने 7 एमसीक्यूज क्वेश्चन लिखे हैं जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, और एट द एंड मैंने एक मैसेज टाइप किया गुड लक, तो ये भी कंप्लीट हो गया। नंबर थर्ड वन, इसमें जो एमसीक्यूज के जो ऑप्शन हैं वो हम टाइप करेंगे इन टू रोज एंड टू कॉलम। ए ऑप्शन आप टाइप कर ले, फिर इसके बाद टैब बटन मोर देन वंस प्रेस कर ले, और ऑप्शन बी आप यहां से टाइप करें, फिर इसके बाद एंटर की आप प्रेस करें, फिर बैक स्पेस और यहाँ पर मैन्युअली सी टाइप करें तो ऑटोमेटिकली बी आ जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल जेड आप प्रेस कर ले कीबोर्ड से तो ये ऑटोमेटिकली सी क्रिएट हो जाएगा। सी भी आप क्रिएट कर ले, फिर इसके बाद टैब बटन प्रेस कर ले और ऑप्शन डी भी आप लिख ले। इसको आप मज़ीद एडजस्ट कर ले। नाउ एमसीक्यूज नंबर टू, ये अगर ऑटोमेटिकली नहीं आता तो फिर आप ऐसा करें कि होम टैब पर आप चले जाएं और यहाँ से अगेन नंबरिंग स्टाइल आप सेलेक्ट कर ले रोमन कैपिटल, और फिर एमसीक्यूज नंबर टू आप लिख ले टाइप करें, और फिर इसके बाद इसके ऑप्शन लिख ले ऑप्शन ए, फिर इसके बाद ऑप्शन बी सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगेन आप चले जाएं नंबरिंग पे और वहाँ से आप नंबरिंग सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एमसीक्यूज आप टाइप कर ले, फिर इसके बाद इसके ऑप्शन सेकंड वाले ऑप्शन आप कॉपी कर ले बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी एंड देन कंट्रोल प्लस वी टू पेस्ट, और यहाँ पर ए आप लिख ले टाइप करें, और फिर इसके बाद स्पेस बटन आप प्रेस कर ले तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको वन बाय वन रीनेम करें। एमसीक्यूज नंबर फोर, और इसके ऑप्शन भी आप कॉपी कर लें और फिर इसके बाद इसको आप रीनेम कर लें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फाइव, इसके ऑप्शन भी आप कॉपी कर लें और इसको आप रीनेम कर लें। एमसीक्यूज नंबर सिक्स एंड सेवन, ये भी आप टाइप करें, और इसी तरीके से आप एमसीक्यूज के जो ऑप्शन है वो टू रोज एंड टू कॉलम में टाइप कर सकते हैं, और एट द एंड आप मैसेज टाइप कर लें गुड लक। तो इसी तरीके से आप थ्री डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।